नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैट्रिसेस पार्ट सेकंड कंटिन्यू करेंगे। पार्ट वन मैंने थ्योरी पढ़ा दिया है, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड अपॉन जो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, हमारे अप्लाइड स्टडी चैनल पर सारे प्लेलिस्ट बनाकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वीडियोस, मॉक इंटरव्यू के वीडियोस, ठीक है, SSC बैंक रेलवे के लिए क्वांट और रीजनिंग अलग से डाल दिया गया, और मैथमेटिक्स सीरीज मैं चला रहा हूँ जहाँ पर कैलकुलस और अभी मैट्रिसेस जो कि अलजेब्रा का पार्ट है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, रोज, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं उस पर। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस भी हमने देखा था, इन सबको मिलाकर आज हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आइए दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैट्रिक्स है और ये इसके इक्वल दिया हुआ है, मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। ये मैट्रिक्स इसके इक्वल दिया हुआ है, तो ये इतने सारे वेरिएबल्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो एक तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 3x3, तीन रो और तीन कॉलम, 3x3। इसका भी ऑर्डर क्या है, 3x3, तो ऑर्डर सेम है, इसलिए मैट्रिसेस इक्वल दिए गए हैं। ठीक है, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देखना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो यहां से देखिए x+3 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, तो x+3 0 के, एक्स कितना, -3। ठीक है, ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, अभी हम लोग बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन आगे देखेंगे। z+4 किसके इक्वल होना चाहिए, 6 के, तो z+4 किसके, 6 के, तो z कितना, 2। अब देखिए 2y-7 किसके इक्वल होना चाहिए, 3y-2 के, तो 2y-7 किसके इक्वल, 3y-2। यहां से y कितना आ गया, 2y इधर गया, y-2 इधर आ गया, कितना, -5, y-5, तीन यहां आ गए। अब देखते हैं सेकेंड रो, देखिए -6 -6, a-1 -3, तो a-1 की जगह आप लिखिए -3, a कितना आ गया, -2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। 0 2c+2, तो 2c+2 बराबर 0, तो c = -1, याद है। ठीक है, अब देखिए -21 -21, 0 0, b-3 2b+4, तो यहां लिख देते हैं b-3 2b+4, ये कितना आया, b इधर गया 2b में से, तो b बचा, और 4 इधर आया -4, तो -7, तो b = -7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने सारे एलिमेंट फाइंड कर लिए। a मेरा कितना आया, -2, b कितना आया, -7, c -1, x -3, y -5, z 2। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल आपने इक्वेट कर दिया है। ये 12th स्टैंडर्ड का तो क्वेश्चन ही नहीं, ये तो 6-7 का स्टूडेंट बता देगा कंपेयर करके। ठीक है, लेकिन ये फंडामेंटल मैं बहुत बेसिक लेवल से बता रहा हूं, अभी इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ये इसके इक्वल है, ABCD की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, अब देखिए ये मैट्रिक्स इक्वल है ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, तो देखिए 2a+b किसके इक्वल होगा, 4 के, तो लिखिए 2a+b किसके इक्वल भाई, 4 के, और a-2b किसके इक्वल, -3 के, यहां तक ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहां 2 है और यहां 2 नहीं है, तो b को कैंसिल आउट करने के लिए इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये इक्वेशन क्या लिखेंगे, 4a, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +2b = 8। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को देखिए, अब इसको हमने पूरे 2 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, और इसके साथ आप सिंपल ऐड करेंगे, ऐड करेंगे ये कट जाएगा, 4a और ये कितना 5a, ये कितना, ये कितना 5, a की वैल्यू कितनी 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई भाई। अब 1 पुट कर दो किसी में भी, 2a+b कितना है 4 है, तो 2a+b 4 है, a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 2 में से 2, 4 में से 2 गया, तो 2, तो b की वैल्यू कितनी 2, यहां तक ठीक है। तो a और b हमने निकाल लिया,
अब हम लोग सी और डी देखेंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिखिए 5c माइनस डी कितना 11, लिखिए यहाँ पे 5c माइनस डी कितना 11, 4c प्लस 3d कितना 24, 4c प्लस 3d 24, ठीक है। अब हमें कैंसिल आउट करना है ना, तो कोएफिशिएंट किसी एक का भी आप इक्वल कर दीजिए, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हमने 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, और उसके बाद यहाँ लिख देते हैं 3515c माइनस 3d इक्वल टू 33, अब ऐड कर दीजिए प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये 19c इक्वल टू कितना 57, तो c कितना 3, अब c 3 हमें वैल्यू मिल गई 19357 है, अब c वैल्यू मिल गई एक में पुट कर दीजिए, तो 5c माइनस d कितना होता है, कितना दिया हुआ है 11, तो 5315 माइनस d इक्वल टू 11, तो डी कितना 4, ठीक है। तो देखिए सारी वैल्यूज मिल गई, ए 1 बी 2 सी 3 और डी 4, 1 2 3 4 इसका आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल है, बस अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करना, ये तो सॉल्व करना बहुत सिंपल है, ठीक है। बस माइनस साइन का ध्यान रखिएगा, माइनस साइन बहुत मिस्टेक करवाता है मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो माइनस साइन को बहुत ध्यान रखना है आपको। और देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दिए, बस सिंपल सॉल्व कर दिए, ठीक है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए कितने रोज हैं, रोज कितने 3 रो हैं, कॉलम कितने 4 कॉलम है, C1 C2 C3 C4, रोज कितने हैं R1 R2 R3, ठीक है, 3 रो 4 कॉलम, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया, कितने रो कितने कॉलम, 3 रो 4 कॉलम, तो 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4, तो 3 क्रॉस 4, 3 रो 4 कॉलम, अब 3 4 12, तो 12 एलिमेंट्स हैं इसमें, 4 4 4 12, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 12, जो ऑर्डर होता है ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 क्रॉस 4, तो 3 4 12, तो कितने एलिमेंट हो गए 12। अब पूछ रहा है A13 बताओ भाई, पहला रो का तीसरा कॉलम, फर्स्ट रो का तीसरा कॉलम 19, A13 कितनी 19, A21 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम बताओ भाई 35, A33 देखो थर्ड रो ये कितना कॉलम, थर्ड कॉलम माइनस 5, A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2, हो गया, सिंपल है, बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस है, इससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप होगा, फिर हम लोग बहुत अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन 4 और 5 एक जैसा है, बस नंबर चेंज है। ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं, तो बता पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, तो पॉसिबल ऑर्डर्स के लिए मैंने बताया था कि फैक्टर्स में उसको ब्रेक कर दीजिए, जैसे 24 है तो सबसे पहले लिखेंगे 1 क्रॉस 24, तो होगा ही होगा, 1 क्रॉस 24 है तो 24 क्रॉस 1 भी होगा, ये तो 2 हो गए। अब देखिए 2 से ब्रेक कर सकते हैं, 2 12 जो होता है, तो 2 क्रॉस 12 तो 12 क्रॉस 2, यहां तक ठीक है। 3 से 3 के टेबल में आता है 3 8 24, तो 3 क्रॉस 8 8 क्रॉस 3, यहां तक ठीक है। 4 के टेबल में 4 6 जा, तो 4 क्रॉस 6 6 क्रॉस 4, और कोई देखिए कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। 1 से हमने शुरू किया सारे फैक्टर्स देखते गए, 1 से 24 बार में तो 2 ये हो गए, 2 से 12 बार में तो 2 ये हो गए, 3 से 8 बार में ये हो गए, 4 से ये हो गए, ठीक है। तो 24 एलिमेंट्स है तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स है। अगर 18 एलिमेंट्स है तो सबसे पहले 1 क्रॉस 18 18 क्रॉस 1, 2 से देखिए 2 से 2 9 या 18, तो 2 क्रॉस कितने बनेंगे बताइए 9, और देखिए तो 9 क्रॉस 2 भी, और 3 से 3 6 तो 6 क्रॉस 3 भी, और कोई बाकी हो गए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 इसके बने, तो 18 एलिमेंट्स है तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, 24 एलिमेंट्स है तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं,
सिंपल है, बस आप फैक्टर्स में तोड़ते जाइए, जो जो फैक्टर्स आपको मिलेंगे वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। डेसिमल में कोई नहीं होना चाहिए, ये नहीं कहना 36 × 0.5, ठीक है। एलिमेंट्स को काउंट करना है हमें कि 2 रो 9 कॉलम, 2 रोज 9 कॉलम, 6 रोज 3 कॉलम, ठीक है, ये हो गए। अब चलिए क्वेश्चन 4-5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक तरीके के हैं, बस ऑर्डर चेंज है और एलिमेंट चेंज है, ठीक है, लेकिन सिमिलर टाइप है, ये तो कुछ भी चेंज कर सकता है ना, बस कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे एक 2 × 2 मैट्रिक्स बनाइए जिसमें एलिमेंट्स आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2 दिया हो, एक 3 × 4 का बनाइए जिसमें एलिमेंट 2i − j दिया हो, ठीक है। तो 2 × 2 में कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 होंगे, कौन कौन से होंगे भाई, a11 और a12, a21 और a22, नहीं होंगे, 4 ही तो होंगे 2 × 2 में। अब a11 मतलब i j की जगह 11 है, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2 कितना हो गया भाई बताइए, 2² 4/2 2 नहीं हो गया। a12 लिखिए 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2 तो 9/2 हो गया ना। a21 2 और 1 तो फिर से भाई 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2 कितना हो गया 9/2। a22 देखिए 2 + 2 का स्क्वायर बाय 2 2² 4 4² 16/2 8 तो बन गया मैट्रिक्स हमारा। एलिमेंट क्या क्या होगा, देखो a11 2 हो गया, ये 9/2 हो गया, ये भी 9/2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये मैट्रिक्स क्या सिंपल है ना। aij हमने निकाल लिए, सारे एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिया और मैट्रिक्स में पुट कर दिया, तो 2 × 2 का हमें ये मैट्रिक्स निकला। अब यहां देखते हैं 3 × 4 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 3 × 4 के हमने ये मैट्रिक्स बनाना है इस एलिमेंट की मदद से। 3 × 4 मतलब कितने एलिमेंट्स, 12 3 4 12, 3 रो 4 कॉलम, ठीक है। तो a11 तीन रो होंगे ना, चार कॉलम इसलिए लिख रहा हूं मैं, a21 a22 a23 a24 तीन रो है, चलिए तीसरा रो लिखते हैं a31 a32 a33 a34 ये निकालना हमें। अब बताओ कितना सिंपल है, ठीक है। देखो a11 मतलब i1 और j1, तो 1 रख दो, 2 − 1 1 आ गया, कितना आ गया ये 1। a12 i की जगह 1 और j की जगह 2, आई जगह 1 2 − 2 0, 1 3 2 − 3 तो −1, ठीक है। ये देखो 2 − 4 तो −2, यहां तक ठीक है। a21 आई की जगह 2 रखना है तो 2 × 2 = 4 − 1 = 3 कितना 3, 2 × 2 = 4 − 2 = 2, 2 × 3 = 2 − 3 = 1, 2 × 4 = 4 − 4 = 0, ठीक है, क्लियर है। a31 अब i की जगह 3 और j की जगह 1, तो i की जगह 3 रखो भाई, 2 × 3 = 6 6 − 1 = 5, 6 − 2 = 4, 6 − 3 = 3, 6 − 4 = 2, तो मेरा मैट्रिक्स बन गया ये 1 0 − 1 − 2 3 2 1 0 5 4 3 2, ये हो गया मैट्रिक्स हमारा, सिंपल है, बस आईजे पुट करके सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलो बच्चों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक है। क्वेश्चन 8 और 9 एक ही तरीके का है, बस यहाँ एक्स वाई जेड है, वहाँ ए बी सी डी है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन है ये, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करेंगे, बस देखते जाएंगे। अब यहाँ देखिए x + y + z 9 है और x + z 5 है और y + z 7 है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आप ऑप्शन में टिक मारिए, ठीक है, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं। कैसे, तो x + y + z 9 है और y + z कितना है 7, तो y + z की जगह 7 लिखिए, तो x + 7 कितना हो गया 9, तो x कितनी 2, तो अगर आप डायरेक्ट पुट करेंगे y + z की 7 तो x2 ही तो आएगा। अब x2 आ गया तो z कितना 2 + z = 5, 2 + z = 5 तो z कितना 3,
अब z 3 तो y कितना भाई, y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो y कितना 4 मिल गई वैल्यू में, 2, 4, 3 ठीक है। ऐसे सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप इक्वेट कर दीजिए, तो a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0, सिंपल है, माइनस कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, माइनस बस कैंसिल आउट, ये a माइनस 2 है, माइनस a माइनस 1, तो a कितनी, a की वैल्यू कितनी 1, a 1 रख दीजिए यहाँ पे, b कितना भाई, a 1 रखेंगे उधर भेजेंगे माइनस 2, माइनस b माइनस 2, तो b कितना 2, सिंपल है नहीं है, अरे 2a माइनस b इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 1 रख दो, तो 2 माइनस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 2 ठीक है। अब बाकी यहाँ कंपेयर कर देते हैं, अब देखिए अब यहाँ क्या दिया हुआ भाई, 2a प्लस c इक्वल टू 5, a कितनी निकाली हमने, a की वैल्यू आई है 1, लग दिए 2 a की जगह 1, तो 2 प्लस c इक्वल टू 5, तो c कितनी 3 ठीक है, 3c प्लस d इक्वल टू 13, c की वैल्यू 3, 3, 3, 9, तो d 4, आगे वैल्यू 1, 2, 3, 4 ठीक है। चलिए इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1, मतलब ये कह रहा है कि 3x3 के कितने मैट्रिसेस बना सकते हो जिसमें सारे एलिमेंट को या तो 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो। अब देखो मैट्रिक्स के अंदर ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, मैट्रिक्स में तो सिंपल 3x3 है, अब बताओ 0 और 1 कितने तरीके से रख के मैट्रिक्स बना सकते हो, तो देखो 3x3 तो कितने एलिमेंट्स हो गए भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने एलिमेंट्स हो गए, 9 एलिमेंट्स हो गए। अब या तो यहाँ 0 रख सकते हो या तो क्या रख सकते हो 1, तो कितने तरीके से इसको भर सकते हो, दो तरीके से है ना, दो तरीके से इसको भर सकते हो, यहाँ भी 0 या तो 1, तो इसको भी दो तरीके से, इसको भी दो तरीके से, सिमिलरली कितने एलिमेंट हैं 9, सबको दो तरीके से, तो 2 की पावर 9 ठीक है, 2 की पावर 9 मतलब कितना 512, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट ठीक है। अब देखिए दो एलिमेंट है तो फिर भी सिंपली और इजिली सॉल्व हो गया ठीक है, क्योंकि 3x3 मतलब 9 एलिमेंट्स, अब 9 एलिमेंट को या तो तुम 0 से भर सकते हो या तो 1 से, तो दो तरीके से एक एक जगह को भर सकते हो, तो 9 प्लेसेस है हमारे पास, तो 2 × 2 × 2 × 2 करके 2 की पावर 9 आ गया ठीक है, ये 512 होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ठीक है। तो इस वीडियो के लिए हमारे 10 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत फंडामेंटल है, जो पिछले मैट्रिसेस के पार्ट 1 में हमने जो कॉन्सेप्ट समझाया था आपको उस पर बेस्ड ये सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं ठीक है। अभी आगे हम लोग रिमेनिंग पार्ट ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट करेंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, उम्मीद है आप लोग आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे ठीक है। मेरे पढ़ाने का तरीका इस तरीके से है कि बच्चों से अच्छा फीडबैक मिलता है ठीक है, तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और हमारे चैनल पर आप बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जितना पॉसिबल आप हेल्प हो मेरे तरफ से होगी या हमारे टीम की तरफ से होगी वो आप लोगों को कर दिया जाएगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो या तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या हमारे अप्लाइड स्टडी चैनल का ईमेल आईडी है जो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, उस पर आप सेंड कर दीजिए अपनी क्वेरी को ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।